गुड मॉर्निंग क्लास, हाउ आर यू? आपको मैंने लेसन वन हिस्ट्री में करवा दिया है उसका रीडिंग, तो आज हम उसकी रिवीजन करेंगे और क्वेश्चन आंसर आपको दे रही हूँ, अपने कॉपी में नोट करने हैं, साथ में एक्सरसाइज भी है वो भी नोट करनी है और उन सबको आपने लर्न करना है, क्योंकि जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आपके एग्जाम्स भी होंगे और सबके कॉपी में काम नोट होना चाहिए, क्योंकि कॉपी जो है जब भी स्कूल खुलेंगे तो आपकी कॉपी चेक होगी। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर से। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्राइमरी सोर्सेज? प्राइमरी सोर्सेज कौन से होते हैं? हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए, इतिहास के बारे में जानने के लिए, पास्ट इवेंट्स के बारे में जानने के लिए कौन कौन से प्राइमरी सोर्सेज होते हैं? प्राइमरी सोर्सेज इंक्लूड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड लिटरेरी एविडेंसेस, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, ऑडियो कैसेट्स, फिल्म्स, वीडियो टेप्स ऑफ इंसिडेंट्स एंड इंटरव्यूज ऑफ इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी। प्राइमरी सोर्सेज में जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं या जो लिटरेरी एविडेंस होते हैं, जो आपको बताया मैंने पिछले अपने सेवन में पढ़े हैं, उसके बाद आर्कियोलॉजिकल जो आर्कियोलॉजिस्ट को चीज़ें मिलती हैं वो सारी, ऑडियो कैसेट्स हैं या फिल्म्स हैं या जितने भी इंसिडेंट्स हैं इंटरव्यू इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी के, वो सारे इसमें प्राइमरी सोर्सेज में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेकेंडरी सोर्सेज? सेकेंडरी सोर्सेज इंक्लूड द वर्क ऑफ ग्रेट हिस्टोरियंस एंड स्कॉलर्स, आर्टिकल्स, रिव्यूज, बुक्स एंड न्यूज़पेपर। जितने भी ग्रेट हिस्टोरियंस और स्कॉलर्स होते हैं उनका जो भी कुछ उन्होंने लिखा होता है, पढ़ा होता है, या बुक्स होती हैं, जितने भी आर्टिकल्स हैं, रिव्यूज हैं और न्यूज़पेपर्स हैं, वो सारे सेकेंडरी सोर्सेज में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हुज डेथ लेड टू द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न पीरियड? आंसर इज द डेथ ऑफ लास्ट ग्रेट मुगल एम्परर औरंगजेब इन 1707। 1707 में औरंगजेब की डेथ के साथ ही लेड टू द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न पीरियड, मॉडर्न पीरियड की शुरुआत हो गई थी। औरंगजेब जो है मुगल डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे, जो अपने पढ़ाई पीछे लास्ट मतलब लास्ट पावरफुल, लास्ट नहीं थे लास्ट, उसके बाद और भी आए थे लेकिन जो है वो लास्ट रूलर नहीं थे, वो लास्ट पावरफुल रूलर थे और उनकी डेथ जो है 1707 में हुई थी। और एक बात और बच्चों, आपने जो डेट्स होती हैं इवेंट्स की उनको आपने ध्यान से लर्न करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ यूरोपियन इरा इन इंडियन हिस्ट्री? इंडियन हिस्ट्री में यूरोपियन इरा मतलब यूरोप कब आए थे, किनके आने से यूरोपियन की शुरुआत जो है इंडिया में मानी जाती है? वास्को डी गामा वे लैंडेड एट कैलिकट सेलिंग वाया द केप ऑफ गुड होप इन 1498 मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ यूरोपियन इरा इन इंडियन हिस्ट्री। वास्को डी गामा जो है जब कैलिकट पहुंचे, कैलिकट जो है केरला के पास है, और वो कौन से रूट से आए थे? वो अफ्रीका में केप ऑफ गुड होप है 1498 में, तब उनके आने के साथ जो है इंडियन हिस्ट्री में यूरोपियन के इरा की शुरुआत हुई थी। उसके बाद ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन थे, नाउ लॉन्ग क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। हाउ इंग्लिश एस्टेब्लिश एंड एक्सपेंडेड देयर एम्पायर इन इंडिया बिटवीन 1757 to 1857। इंग्लिश ने 1757 से लेके 1857 तक अपने एम्पायर को इंडिया में कैसे एस्टेब्लिश किया और एक्सपेंड किया? आंसर इज इंग्लिश एस्टेब्लिश एंड एक्सपेंडेड देयर एम्पायर इन इंडिया बिटवीन 1757 to 1857। फर्स्ट पॉइंट, आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब इन 1707 द मुगल एम्पायर वॉज ग्रेजुअली डिसइंटीग्रेटिंग इंटू नंबर ऑफ ऑटोनोमस स्टेट्स। औरंगजेब की डेथ के बाद जो है जितना भी मुगल साम्राज्य था वो धीरे धीरे जो है अलग अलग स्टेट्स में डिसइंटीग्रेट हो गया था। सेकेंड पॉइंट, दे एस्टेब्लिश देयर अथॉरिटी ओवर बंगाल, अवध, सब जजेड द मराठास, हेल्ड बर्मा एंड सिंध।
और उसके बाद उन्होंने जो है बंगाल में अपनी अथॉरिटी जमा ली और अवध में भी, फिर उसने मराठों को मिला लिया अपने साथ, और उसके बाद बर्मा, और उसके बाद उन्होंने सिंध को अपने साथ मिला लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन योर ओन वर्ड। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है, औद्योगिक क्रांति किसको बोलते हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वॉज अ पीरियड इन विच बिग फैक्ट्रीज वर सेटअप टू प्रोड्यूस गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वो है, वो पीरियड था जिस दौरान जो है बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगाई गई क्या करने के लिए, लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, गुड्स को ज्यादा गुड्स, क्योंकि फैक्ट्रीज में ज्यादा सामान होता है, मैनुअल कम होता है हाथ से, तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में जिस पीरियड के दौरान बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगाई गई टू प्रोड्यूस गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी, उसको हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं। इट मार्क्ड, सेकंड पॉइंट इसका, इट मार्क्ड वाइड स्प्रेड चेंज इन द इकोनॉमिक सेटिंग्स ऑफ द इंडियन कम्युनिटी। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आने से क्या हुआ, भारतीय समाज में जो है इकोनॉमिक सेटिंग में बहुत सारा चेंज आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिगन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत कहाँ हुई थी। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिगेन इन ब्रिटेन विद सम फैक्ट्स लाइक। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है ब्रिटेन में शुरू हुआ, उसका फर्स्ट पॉइंट है एडवांसमेंट इन एग्रीकल्चरल टेक्निक्स एंड प्रैक्टिसेस रिजल्टेड इन एन इंक्रीज्ड सप्लाई ऑफ फूड एंड रॉ मटेरियल। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है ब्रिटेन में शुरू हुआ, तो क्या हुआ, जिसके कारण क्या हुआ था कि एग्रीकल्चर टेक्निक्स और प्रैक्टिसेस में एडवांसमेंट आ गई, और जिसके कारण क्या हुआ रिजल्ट, जिसका रिजल्ट क्या हुआ, इंक्रीज सप्लाई ऑफ फूड एंड रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल और सप्लाई ऑफ फूड जो है वो इंक्रीज हो गया। सेकंड पॉइंट, न्यू चेंजेस इन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन एंड न्यू टेक्नोलॉजी रिजल्टेड इन इंक्रीज प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल और इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके जो टेक्नोलॉजी नई नई आ गई, उससे जो है प्रोडक्शन में भी इंक्रीजमेंट इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन। अमेरिकन रेवोल्यूशन की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है। द आंसर इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द अमेरिकन रेवोल्यूशन वाज एज, फर्स्ट पॉइंट, इट वाज अ वॉर बिटवीन द किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड 13 ब्रिटिश कॉलोनीज ऑन द नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। अमेरिकन रेवोल्यूशन क्या थी, ये एक वॉर थी किस किस के बीच में, किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और नॉर्थ अमेरिकन की जो है 13 कॉलोनीज थी, 13 ब्रिटिश कॉलोनीज के ऊपर ब्रिटेन ने कब्जा किया था, उनके बीच में ये एक वॉर थी। इस सेकंड पॉइंट इज रेवोल्यूशनरी ओवर थ्रू ब्रिटिश रूल। इसमें क्या किया, जो रेवोल्यूशनरी थे क्रांतिकारी थे उन्होंने ब्रिटिश रूल को हटा दिया। इन 1775 दे सीज कंट्रोल ऑफ ईच ऑफ द 13 कॉलोनी गवर्नमेंट। उन्होंने 1775 में जो 13 कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उनमें अपना कंट्रोल ले लिया। फोर्थ पॉइंट, दे सेट अप द सेकंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस एंड फॉर्मड अ कॉन्टिनेंटल आर्मी। और उन्होंने अपनी एक कॉन्टिनेंटल आर्मी और साथ में सेकंड कॉन्टिनेंट कांग्रेस में वो फॉर्म कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म से आपका क्या तात्पर्य है। कैपिटलिज्म इज एन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम इन विच अ कंट्रीज ट्रेड एंड इंडस्ट्री आर कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट ओनर्स फॉर प्रॉफिट। कैपिटलिज्म जो है एक ऐसी आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें जो देश का व्यापार है, देश की जो इंडस्ट्रीज हैं, वो प्राइवेट ओनर्स के हाथ में होती हैं और फायदा भी उन्हीं को ही होता है। दिस सिस्टम यूजेस द इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी और कैपिटल टू प्रोड्यूस प्रॉफिट। और इस सिस्टम में जो है पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है, पैसा यानी कैपिटल, पैसे को क्या बोलते हैं, कैपिटल को इन्वेस्टमेंट किया जाता है ताकि उससे प्रॉफिट कमाया जा सके।
एट क्लास आपके जो क्वेश्चन आंसर हो गए आप हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। सबसे पहले इसके फिल इन द ब्लैंक्स है, तो फर्स्ट ब्लैंक इज द डैश टुक द इंडियन ट्रेड इनटू देयर हैंड्स। अब इंडियन का व्यापार किनके हाथ में आ गया था, आंसर इज इंग्लिश, द इंग्लिश टुक द इंडियन ट्रेड इनटू देयर हैंड। सेकंड फिलअप इज द इंग्लिश डैश डिफीटेड सिराजुद्दौला इन द बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला को किसने हराया था, किसने डिफीट किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट इज डैश लीड्स टू द इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बिटवीन रिच एंड पुअर। कौन सा सिस्टम जो है रिच और पुअर में इनइक्वालिटी पैदा कर देता है, आर्थिक इनइक्वालिटी पैदा कर देता है, आंसर इज कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म लीड्स टू द इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बिटवीन रिच एंड पुअर। नेक्स्ट द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज द बिटवीन किंगडम ऑफ ब्रिटेन एंड 13 ब्रिटिश कॉलोनीज। जो आपको मैंने भी बताया क्वेश्चन में भी है कि अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्या थी, वो किंगडम ऑफ ब्रिटेन और 13 ब्रिटिश कॉलोनी के बीच में थी। नेक्स्ट द अमेरिकन डैश हु वांटेड फ्रीडम फ्रॉम इंग्लिश रिबेल्ड अगेंस्ट ब्रिटिश अथॉरिटी। अमेरिकन जो कि ब्रिटिश अथॉरिटी से अपने आप को फ्रीडम चाहते थे, उन्होंने रिबेल कर दिया, वो क्रांति कर दी उन्होंने, इन्होंने अमेरिकन पैट्रियट्स देशभक्त अमेरिकन पैट्रियट्स हु वांटेड फ्रीडम फ्रॉम इंग्लैंड रिबेल्ड अगेंस्ट ब्रिटिश अथॉरिटी। नाउ ट्रू फॉल्स, फर्स्ट ट्रू फॉल्स है, प्राइमरी सोर्सेज इंक्लूड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड लिटरेरी एविडेंस। प्राइमरी सोर्सेज में क्या क्या आते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आते हैं और लिटरेरी एविडेंसेज आते हैं, इट इज अ ट्रू। सेकेंड ट्रू फॉल्स, चाइना हैज बीन द होम टू सम ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन एंड डायनेस्टी। चाइना जो है वो पुरानी सिविलाइजेशन, चाइना में जो है जितनी भी पुरानी सिविलाइजेशन हुई हैं या डायनेस्टी हुई है वो चाइना में हुई है, चाइना में नहीं हुई, कहाँ हुई है, इंडिया में, सो इट इज अ फॉल्स। नेक्स्ट आफ्टर डिफीटिंग बाबर द ब्रिटिश बिकेम मास्टर ऑफ ईस्ट दिल्ली। बाबर को डिफीट करने के बाद इंग्लिश जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक बने थे, नो, किसको डिफीट किया था, सिराजुद्दौला को, तो ये क्या हुआ, फॉल्स। द ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड कलेक्टिंग रेवेन्यू फ्रॉम बंगाल बिहार एंड ओडिशा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, बंगाल से बिहार से और ओडिशा से रेवेन्यू कलेक्ट करना शुरू कर दिया, इट इज अ ट्रू। नेक्स्ट कैपिटलिज्म सिस्टम डिडंट यूज द इन्वेस्ट ऑफ मनी टू प्रोड्यूस प्रॉफिट। कैपिटलिज्म का सिस्टम जो है वो इन्वेस्ट ऑफ मनी तो है ही है लेकिन वो प्रोड्यूस प्रॉफिट नहीं करता, तो ये फॉल्स हो गया, डिड नॉट आ गया इसमें, तो ये फॉल्स हो गया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन गेव राइज टू कैपिटलिज्म इन इंडिया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आने से ही कैपिटलिज्म आया था इंडिया में, आपको याद होगा जब लेसन किया था हमने, तो इट इज अ ट्रू। और एक बात और, एट क्लास जब भी आपने जो फिलअप से ट्रू फॉल्स करने हैं तो पूरा पूरा सेंटेंस बोल के आपने लर्न करनी है। आपको जो ट्रू फॉल्स हैं, जो फिलअप्स हैं, वो किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि आपको ऐसे के एडजेक्टिव आएंगे, इनकी फॉर्म भी चेंज करके आ सकती है। सो प्लीज लर्न दिस एक्सरसाइज इन फुल सेंटेंस। नेक्स्ट आ गया आपका टिक द राइट ऑप्शन। फर्स्ट है प्राइमरी सोर्सेज इंक्लूड, प्राइमरी सोर्सेज में क्या क्या आते हैं, लिटरेरी एविडेंस, बुक्स, वीडियो टेप्स, ऑल ऑफ दिस। तो इसमें जो है सारा आ जाएगा, लिटरेरी एविडेंस, वीडियो टेप्स और बुक्स जो है ये सारा प्राइमरी सोर्सेज में आ जाएगा। उसके बाद आ गया दिस कंट्री हैज बीन होम ऑफ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, ये आपने अभी किया तो इसका क्या आंसर आएगा, इंडिया। उसके बाद वास्को डी गामा लैंडेड एट कैलिकट वाया। वास्को डी गामा जो है कैलिकट में आए थे, कैलिकट इंडिया में है, केरला के पास, वहां आए थे, तो लेकिन कौन से रूट से आए थे, वो आए थे केप ऑफ गुड होप। कौन से रूट से आए थे, केप ऑफ गुड होप। नेक्स्ट इन दिस सिस्टम द कंट्रोल ऑफ लैंड एंड वर्कर्स वॉज द की टू मेक वेल्थ।
कोर्स सिस्टम में जो लैंड और वर्कर का कंट्रोल जो है वेल्थ बनाने के लिए होता है वो होता है फेडरलिज्म में, कैपिटलिज्म में नहीं होता। कैपिटलिज्म तो प्राइवेट ओनर्स का होता है, तो ये फेडरलिज्म है आंसर इसका। नाउ मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट मैंने आपको कहा था कि डेट्स अच्छे से लर्न करनी है, तो ये आपके डेट्स ही हैं, इनको आपने अच्छे से लर्न करना है। मैच में आ सकती है आपको ये। अप्रैल 1775 में क्या हुआ था? अप्रैल फर्स्ट है, अप्रैल 1775 में कौन सी इवेंट हुई थी? अमेरिकन रिबेल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश। अमेरिकन जो है, अमेरिकन पैट्रियट्स जो है, उन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट रिबेल कर दिया था। सेकेंड है 1775 to 1783 में क्या हुआ था? अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इतने सालों के बीच में 1775 से लेके 1783 तक जो है अमेरिकन की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी। उसके बाद सी है 1744 to 1763 तक कौन सी इवेंट हुई थी? थ्री कार्नेटिक वॉर्स जो है वो कब हुई थी? 1744 to 1763। 1498 में क्या हुआ था? वास्को डी गामा जो है वो कैलिकट पहुंचे थे। 1707 में ये आपको अच्छी तरह याद होगा, डेथ ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब की डेथ कब हुई थी? 1707। 8th क्लास योर लेसन हैज बीन कंप्लीटेड। आपने अच्छी तरह से ये एक्सरसाइज लर्न करनी है, और पहले तो उसको लिखना है कॉपी में क्वेश्चन आंसर भी, और ये सारी एक्सरसाइज है, फिल इन द ब्लैंक्स है, ट्रू फॉल्स है, मैच है, टिक द आंसर है, सारे आपने कॉपी में लिखना है, और उसके बाद इसको अच्छे से रिवाइज करना है। आपको मैंने पूरा एक एक जो भी आपको कराया मैंने, हर एक मीनिंग समझाए आपको, तो अच्छी तरह से आपने इसको लर्न करना है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।